इस बीच अब हमारे साथ नयनतारा भी बनी हुई है, एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है। जोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर, ये हम जानते हैं कि कई समय से ये दिस न्यूज इज डूइंग द राउंड्स, और अब इस पर क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर आए नयनतारा? ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश में हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमैटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमैटो के साथ हो सकती है, वो मे के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफकोर्स ग्रोफर्स था, उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। ये कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं, के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमैटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद EGM को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है ये शायद कॉम्पिटिशन वॉचडॉग CCI के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर आप जोमैटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। IPO से पहले जोमैटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में, उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। और अब बातचीत हो रही है जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप पे है। बिल्कुल नयनतारा, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो जोमैटो ब्लिंकिट मर्जर जो है आखिरी चरण में इस वक्त, और इससे जुड़ी सारी की सारी अपडेट्स आपके सामने। कुश, जोमैटो एक बार एक क्विक चेक आप बताएं, करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स न्यूज़ बेस काफ़ी हद तक इम्पैक्ट इसमें ऑन डील रिलेटेड न्यूज़ आते हुए दिखते हैं। आज के सत्र में कमजोरी ज़रूर है, लेकिन टेक्निकली आपको क्या लगता है, कमजोरी हर तरफ बाजार में फिलहाल नज़र आ रही है? जी हाँ, इसमें कमजोरी काफी समय से चलती आई है और यू नो वो बरकरार है, कहीं कोई रिवर्सल का साइन नहीं। बीच में एक फेज था जहां पे स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, बट उसका जो ब्रेकआउट आया है वो भी नीचे की तरफ आया है। तो नया निवेश तो इसमें मैं बिल्कुल नए निवेश की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। एक बार ये फॉल थम जाए देन प्रॉब्ली वी कैन टेक अ कॉल के यू नो इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है, बट राइट नाउ इट्स अ फॉलिंग नाइफ। एक बार इसे थम जाने दीजिए, देन विल बी यू नो बेटर पोजिशन टू टेक अ कॉल। फिलहाल इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें और सिर्फ इसे रिव्यू कीजिए राय आती हुई, कमजोरी काफी ज्यादा हावी होती हुई। लेकिन इस बीच खबरें कई सारी इस स्टॉक से जुड़ी आती हुई दिखती हैं और एक्सक्लूसिव न्यूज लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। इस बीच HCL टेक्नोलॉजीज, श्रीकांत इस स्टॉक पर भी अपना नजरिया बताएं, क्योंकि IT स्पेस रडार पर तो है ही, और इस स्टॉक को भी अगर देखें अभी हम देख रहे हैं करीब 3% की बढ़त के साथ अपमूव्स जो हैं इंटैक्ट हैं। पिछले कुछ घंटों में ये स्टॉक ने जो तेजी पकड़ी है, इनफैक्ट आज दिन भर में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिखाया और अभी अभी जो है अच्छी बढ़त के साथ करीब 3% तेजी, और ये तेजी अब भी जारी है। इन लेवल्स पर आपको ये सेल टेक का काउंटर कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि HCL टेक्नोलॉजीज भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है, और इसकी मुख्य वजह यही है कि ये स्टॉक अगर बाकी स्टॉक्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं IT बास्केट में तो इसमें काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना है, और अगर करंट लेवल से अगर ये रिबाउंड करता है तो हमें लगता है कम से कम 1150 के लेवल्स दिखा सकता है। फंडामेंटली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1300-1350 के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है, तो करंट लेवल से डाउनसाइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है और फॉलिंग मार्केट में स्टॉक कम गिरा हुआ है। तो अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो 1050 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 1150 के, 1150 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके पोजीशंस लेने के बाद।